कपड़े वगैरह है जो भी पहनेंगे, ठीक है। वहाँ पे ड्रेस दादा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे ड्रेस दादा है। सर, ड्रेस दादा आपका नाम? कैलाश। ओके, तो कैलाश भाई यहाँ पे है, ठीक है, जो हमारे कपड़े वगैरह देख लिए। यहाँ पे कुछ है कोट वोट कपड़े पहनने ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे दादा है जो मेरे शर्ट की फिटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो है एवरीवन, बॉन्जुर नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, खम्मा गणेश, रह काल तक के हाल चाल। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। और अभी मैं निकल चुका हूँ मेरे घर से, अभी बज रहे तकरीबन सुबह के 4:30। तो अभी मैं निकला हूँ और मुझे जाना है अभी यहाँ से लेके पवई तक, ठीक है, जहाँ पर हमारी आज की जो शूट वगैरह जो है वो होने वाली है। सो कुछ ऐसा मेरा फिलहाल ड्रेस कोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो रेडी वगैरह होके अभी हम निकलेंगे, पहले पवई पहुँचते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मेरी क्या शूट है क्या नहीं। फिलहाल तो मुझे लेट हो रहा है, तो पहले हम फटाक से जाएंगे और बाकी की बात जो भी है वो वहाँ पे लोकेशन पे करेंगे। चलो, तो अभी बज रहे तकरीबन सुबह के 5 और मुझे 2 लाइट मैन भी मिल गए, तो उनके साथ ही मैं जा रहा हूँ फिलहाल। ओके, सो फाइनली मैं होटल में था जहाँ पे मुझे आना था, मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। और अभी जस्ट हमारा चेक इन वगैरह हुआ है, हम लोग को एक रूम दिया हुआ है, यहाँ पे रूम अलॉट किया हुआ है, ठीक है। सो ऐसा कुछ वॉशरूम है हर बार की तरह, वाओ, मतलब बैठते बैठते हँकते हँकते अच्छा सा व्यू ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा घूमना पड़ेगा, सॉरी फॉर देट। और यहाँ पर नहाने वगैरह के लिए है, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं फाइनली होटल में पहुंच चुका हूं, हमने चेक इन वगैरह कर दिया है, हमारा रूम वगैरह जो है वो अलॉट हो चुका है। और मेरे साथ है यहाँ पे नवीश। हाय ब्रो। हाय। सो आज हमारे साथ पूरे दिन शूट पे नवीश रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जिन लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर हम बाहर से है, आउटडोर से है, तो आउटडोर इन द सेंस मतलब मुंबई को छोड़ के कहीं से भी हो, ठीक है, तो मुंबई में सर्वाइव करना आसान है या नहीं, मुंबई में काम मिलेगा या नहीं अगर आप फ्रेशर हो, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए आपका जो आंसर था वो रेडी है नवीश, ठीक है। नवीश, इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स यू आर वर्किंग इन टू इंडस्ट्री? 4 साल हो गए अभी मुंबई में। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मतलब डेफिनेटली अगर मेहनत करेंगे तो काम जरूर मिलेगा आपको, और लगे रहिए बस। एंड कहाँ से एग्जैक्टली? मैं इंदौर से हूँ वैसे कि। सो भाई है इंदौर से, और इंदौर से आज के टाइम पे मुंबई में 4 साल हो गए भाई को, एंड शूट्स वगैरह कर रहे हैं। आज भी हमारी एक एड शूट है, हालांकि मैं आपको अभी रिवील कर ही देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं रिवील करूँगा। मैंने अगर आपने लास्ट मेरी ब्लॉग देखी थी वो करीना कपूर मैम वाली, जहाँ पर मेरी नाइटमेड की एड शूट थी, तो धर्मा प्रोडक्शन ही है, उन्हीं की एक एड शूट है। बाकी क्या है क्या नहीं वो आपको ब्लॉग ही देखना पड़ेगा, तभी आपको रिवील होगा एग्जैक्टली कैसा है कैसा नहीं। तो ब्रो मतलब सर्वाइव करना आसान है या नहीं? मतलब अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप लेवल बेस्ट हो, मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि बचपन से मुंबई का हूँ, बट जो लोग एक खाली उन लोगों के लिए आंसर था कि जो लोग सोचते कि बाहर से अगर आप हो और आपको काम नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री आपको काम नहीं देगी। सो भाई आज मेरे साथ में है और हम साथ में यहाँ शूट करने वाले हैं, हमारा पूरा दिन साथ में निकलने वाला है। आप देख सकते हो हमारी होटल कुछ ऐसी है, मतलब वहाँ पर हमारा रूम है, आपको मैं अभी रूम वगैरह भी जो है वो अंदर से दिखा देता हूँ हमारा कैसा है कैसा नहीं रूम वगैरह। बाकी और कुछ टिप्स वगैरह ब्रो, कुछ भी छोटी मोटी? बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आए हो मेहनत करने के लिए तो उसी मतलब डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, अगर टाइम पास करना है तो फिर टाइम पास के लिए तो कहीं पर भी जगह मिल जाती है, अपने सिटीज़ में भी काफ़ी टाइम पास हो जाए। मतलब ये है कि अगर आप आ रहे हो अपनी अपनी फील्ड के लिए, अगर आप एक्टिंग की एक्टिंग ही करना और एक्टर ही बनना है, तो आपके काम को लेकर आप जेन्युइन रहो, मतलब उसको चीट मत करो, फन वगैरह मस्ती वगैरह सारी चीज़ें वो साथ में रखो। पर कोई ऐसा होता नहीं कभी कि वो उसी चीज़ में मतलब हो जाते हैं कि उनके लिए फनी सब कुछ हो जाता है, फिर वो अपने जो जिस जो जिसके लिए एम के लिए आते हैं वो भूल जाते हैं उसको क्या करने आए हैं, भूल जाते हैं। सर, सो वही सीन है, आज हमारा पूरा दिन यहाँ पे होने वाला है। हालांकि अभी तो जस्ट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, पूरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने और सीखने मिलेगी। अभी जाके हमारा रूम आपको मैं दिखाता हूँ पहले, तो चलो चलते हैं।
तो अभी मैं ऑल सेट हूँ, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है और जो कॉस्ट्यूम दिख रहा है वो खुद का मेरा ही है। हालांकि इन लोग ने ऑप्शंस मंगाए थे कॉस्ट्यूम में भी, ऐसा होता है अगर आप कोई शूट कर रहे हो तो आपको आपसे ऑप्शंस मंगाए जाते हैं शूट पे। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से बार उनके पास अवेलेबल नहीं होते आपके फिटिंग के कपड़े, तो अगर आप अपने आप के भी प्रीफर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उन्होंने मुझसे ऑप्शन मंगाए थे, मैंने फोटोज वगैरह भेजे थे तो उन लोगों को अच्छी लगी थी, सो फिलहाल इन्होंने मुझे यही पहना दिया और मेकअप वगैरह इन लोगों ने कर दिया है। बाल वगैरह जो है मेरे सेट कर दिए हैं और होटल के बाहर इस वक्त मैं बैठा हूँ। हालांकि मैंने मेरा सेटअप लगाया नहीं है तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना यार, ठीक है। और वही धर्मा 2.0 का ही है प्रोडक्शन हाउस, तो वही है, ठीक है। और वही अभी हमारी वहाँ पे शूट होने वाली है थोड़े टाइम में। आपको मैं थोड़ा बाहर से व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी सही व्यू है यहाँ का। तो अभी हम करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो रेडी है और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा व्यू है और थोड़ी देर में हमारी शूट वगैरह जो है वो चालू होने वाली है। आप लोग देखे देखे लग रहे हो मेरे को क्या खा रही है खिड़की से बाहर से कुछ ऐसा व्यू है, वहाँ पे एक बोट चल रही है, ठीक है। ऐसा कुछ व्यू है, काफ़ी प्यारा व्यू है। और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह है जो भी पहनेंगे, ठीक है। वहाँ पे ड्रेस दादा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे ड्रेस दादा है। सर, ड्रेस दादा आपका नाम? कैलाश। ओके, तो कैलाश भाई यहाँ पे है, ठीक है, जो हमारे कपड़े वगैरह देख लिए। यहाँ पे कुछ है कोट वोट कपड़े पहनने ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे दादा है जो मेरे शर्ट की फिटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ऐसा कुछ रूम है, हालांकि अभी रूम नहीं, मेरा बेडरूम लग रहा है मेरे घर का, ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है बेडरूम घर का। तो अभी हमारा चेंज वगैरह जो था वो हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लेजर शर्ट ब्लेजर वगैरह और दिया है कुछ, ठीक है। सो ये मेरा फाइनल चेंज है फिलहाल। सो जो अभी मेरी शूट होने वाली है वो अभी मेरी बात है, हालांकि मेरी अभी तक इतनी शूट हुई नहीं है। सो अभी जो भी शूट होगी मेरी, अभी इसके बाद मेरा ही सीन है। सो बस थोड़ा सा रेडी होना, थोड़ा सा बाल वगैरह इन लोगों को सेट करना रहेगा तो कर देंगे। बाकी तो आई नो मैं कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं ब्लैक में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं पर्सनली मैं खुद भी यही मानता हूँ कि मुझे ब्लैक और वाइट में पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। ब्लश कर रहा हूँ मैं, आई नो, अब थोड़ा तो एटीट्यूड बनता है ना। जस्ट किडिंग, कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मेरा सीन जो था बेसिकली वो कुछ ऐसा था कि कुछ एंटिक चीज़ें थी जिनके ऊपर मुझे अपने हाथ वगैरह घुमाने थे, फिर एक पियानो था जिसको मुझे बजाना था और वो सारे सीन थे। तो वो सारे सीन ऑलमोस्ट शूट हो चुके हैं, सो शायद एक दो सीन और बाकी होंगे और हार्डली मतलब हाफ एन आवर में पैकअप हो ही जाएगा। और होटल तो इतनी सही है ना यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट होटल जब तक, ठीक है, ज़्यादा तारीफ कर ली मैंने। अभी चलते, ये बड़ी दिक्कत है एक्चुअली, हमारी कीज लेना भूल चुके हैं और अगर हमको लिफ्ट में जाना हो तो पहले दबाने का फिर अंदर की लगानी पड़ेगी। की लगने के बाद ही हम हमारा जिस भी फ्लोर में हमको जाना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ होटल है, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा आपको होटल का टूर भी दे ही दिया था, लेकिन मैंने बहुत सी जगह पे आपको मेरा दिख ही गया होगा, मैंने होटल कैसी है कैसी दिखा दी, बट ऐसा कुछ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हमारी शूट जो थी वो वहाँ पे हो रही थी, उसके बाद अभी ऐसा कुछ यहाँ पे कैफ़े वगैरह भी है, ठीक है, सब जाके देखते हैं। सही होटल है, मतलब इतना सही इन्होंने बना के रखा है, हर एक चीज़ को मतलब एकदम बारीकी से ध्यान दिया यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इनका कुछ अलग स्पेस रहेगा जहाँ पे है सारी चीज़। तो फाइनली हमारा पैकअप वगैरह जो था हो चुका है, मेरा जो सीन वगैरह जो था वो शूट हो चुका है, ठीक है, सारा सीन जो अभी तक थे सारे के सारे सीन शूट हो चुके हैं अभी, और अभी हो चुका है हमारा पैकअप, ठीक है। सो अभी बात कुछ ऐसी है कि भाई यार आपका नहीं है, वो अपना है, ये भी नहीं है, गलत दरवाजे में घुस रहा है, खुशी देख रहे हो पैकअप की, गलत दरवाजे में घुस रहा है हमारे रूम के, किसी और रूम में घुस रहा है। हो चुका है हमारा पैकअप, कैसा लगा पैकअप वगैरह? बहुत अच्छा, सुकून मिला, काफ़ी जल्दी पैकअप हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही व्यू है यार। लाइक अब तक का ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा, ठीक है, कि बाहर खोलो और ये वाला व्यू मतलब काफ़ी अच्छा है, बट नीचे का व्यू एकदम उतना ही बेकार है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये कुछ बन रहा होगा यहाँ पे, आई डोंट नो, शायद स्विमिंग पूल समथिंग वापस यहाँ पे ही बन रहा है, देखते हैं बनेगा तब वापस कभी अच्छे से आएंगे, बट तब तक के लिए चलते हैं तो दादा छोड़ेंगे नीचे तक। पीछे बैठ जाओ, हॉट सीट VVIP।
वीडियो में मज़ा आया होगा, चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।